पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा के निर्देशानुसार व चुरखी थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस जालौन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त सहदेव पाल पुत्र रामकिशन पाल निवासी विनोरा वैद थाना चुरखी जनपद जालौन को महज 8 घंटे के अंदर घटना कल सफल अनावरण करते हुए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूछताछ में अभियुक्त सहदेव पाल द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया गया कि मृतका गीता देवी मेरे खेत से बाजरा काटने लगती थी। बाजरा की फसल छोटी होने के कारण मैंने इसे कई बार बाजरा काटने से मना किया था। कल दिनांक 15/10/2023 को मृतका गीता उपरोक्त मेरे खेत से बाजरा काट रही थी, जिसे मैंने बाजरा काटने से मना किया तो वो मेरे साथ गाली गलौज करने लगी थी, जिसके कारण मैंने गुस्से में आकर के मृतका को टांट टपट किया तो मृतका गीता द्वारा अपनी पहनी हुई जूती से मेरे साथ मारपीट की गई, जिससे अवैध में आवेश में आकर के मैंने गीता उपरोक्त कुल्हाड़ी मार दी जिससे उसका सर के पीछे वाले हिस्से में लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने गीता के शव को अपने अम्मा इसके बाद मैंने गीता के शव को अपने बाजरे के खेत के बगल में इसके बाद मैंने गीता के शव को अपने खेत के बाजरे के बगल में स्थित झाड़ियों में छुपा दिया तथा जो खून निकला था उसे घटनास्थल पर ही अपने फावड़े से ठिकाने लगा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी फावड़े को बरामद किया गया एवं अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या हुई है, सर क्या है पूरा मामला? आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जिनका नाम गीता देवी है, वो अपने घर से कल सुबह से मिसिंग थी। उनके परिवार ने रात को सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार उनको तलाश कर रही थी। आज सुबह ये सूचना मिली कि उनका शव वहीं पर एक खेत में बिनौरा खुर्द गाँव में चुरखी थाना अंतर्गत वो आता है, वहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ मिला है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, फील्ड यूनिट पहुंची, मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और टीमें इसमें गठित की गई, एसओजी सर्विलेंस और थाना टीम, और लगातार इसमें कार्रवाई की गई और काफ़ी अहम साक्ष्य सभी टीमों ने मौके से जुटाए और उसके आधार पर जब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें एक व्यक्ति जिस सहदेव पाल उसको गिरफ्तार किया गया है और जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है और ये भी बिनौरा वैद का ही रहने वाला है। इससे पूछताछ जब की गई तो इसने ये बताया कि इसके खेत से जो महिला है वो बाजरा वगैरह काटने आया करती थी और इस बात का इसने विरोध किया, जिसको लेके इसने महिला के साथ कल कुछ बोला जिसके महिला ने नाराज़ होके इसकी पिटाई कर दी थी और उससे क्षुब्ध होके इसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी इसने कुल्हाड़ी महिला के सिर के पीछे मार दी, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद इसने साक्ष्य मिटाने के भी वहाँ प्रयास किए थे एक फावड़े से और खून वगैरह इसने गड्ढे में दबाया था, तो इसके पास से वो फावड़ा भी बरामद हो गया और वो कुल्हाड़ी भी जो बरामद कर ली गई है पुलिस ने जिससे महिला की हत्या की गई थी। इसके अतिरिक्त बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो हमारी फील्ड यूनिट ने मौके से उठाया था, एक इसकी शर्ट का इसके कुर्ते का एक बटन था, उसी के आधार पर क्लियर हुई चीज़ें, वो इसका कुर्ते का जो बटन था वो इसके कुर्ते से मैच किए और ये बहुत ही अच्छे एविडेंस था जिसके कारण हम लोग ये एस्टेब्लिश कर पाए कि ये वही सेम व्यक्ति है और इसने फिर पूछताछ में सारी चीज़ें इसने बता दी। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें